दुनिया भर के छात्रों से अगर ये सवाल किया जाए कि सबसे बोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, तो ज्यादातर बच्चे एक ही जवाब देंगे, मैथ्स। बहुत से बच्चों को मैथ्स के सवाल हल करने में मजा भी आता है, लेकिन ज्यादातर बच्चों के लिए गणित खौफ का दूसरा नाम है। इसलिए आजकल आपको ऐसे बहुत से टीचर भी देखने को मिलेंगे जो बच्चों को सिखाने और पढ़ाने के लिए अलग अलग ढंग से कोशिश करते हैं और अनोखा तरीका अपनाते हैं, जिससे बच्चे जल्दी से और आसानी से सीख सके। अब ऐसा ही अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है जिला कांगड़ा के एक सरकारी स्कूल के अध्यापक विजय कुमार ने। बच्चों की गणित में रुचि बढ़ाने के लिए उन्होंने मोबाइल रामानुजम मैथ्स लैब की शुरुआत की। इसे डीसी निपुण जिंदल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विजय कुमार जी हैं मोटली से, और इन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। एक रामानुजम मैथमेटिकल जो एक पार्क उन्होंने वहाँ पे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोटली में अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है उसकी, और इसमें बहुत जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किए हैं, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से जो मैथमेटिक्स की जो पढ़ाई है वो बच्चों को दी जा रही है, जिससे एक तरह से उनके जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हो रही है उसकी पढ़ाई की, और साथ ही साथ उनके लिए बच्चों के लिए रोचक भी बहुत ज़्यादा विषय जो मैथमेटिक्स है। अदरवाइज़ कई बच्चों के लिए इसको एक डल सब्जेक्ट माना जाता है। तो आज इन्होंने जो एक मोबाइल वैन है, जो रामानुजम लैब है मैथमेटिक्स की, उसका जो शुभारंभ है मेरे कदमों द्वारा करवाया है, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और SDM इंदौर को भी बधाई देना चाहता हूं कि उनके इलाके में ऐसी प्रयास है वो किए जा रहे हैं। विजय और स्कूल प्रशासन का यह अनोखा प्रयास प्रशंसनीय है, जिसमें प्रैक्टिकल तरीके से बच्चों को गणित सिखाने की कोशिश की जा रही है। वहीं जिला प्रशासन ने भी सहायता की आवश्यकता होने पर सहयोग देने की बात कही। वहाँ पे एक मैथमेटिक्स जो लैब इन्होंने बनाई है, एक ओपन लैब है रामानुजम के नाम से, वहाँ पे सिर्फ इनके स्कूल के बच्चों को ही फ़ायदा नहीं, परंतु जो आसपास के स्कूल्स के बच्चे हैं उनको भी डेफिनेटली फ़ायदा पहुँचेगा। और मेरी तरफ से इनको फुल आश्वासन मिला है कि कोई भी यदि सपोर्ट चाहिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हो स्कूल में, चाहे वो किसी और प्रकार से हो, वो हमारी तरफ से हमेशा रहेगी। विजय कुमार के इस अनोखे तरीके से जहाँ बच्चों का मैथ्स को लेकर खौफ दूर होगा, तो वही बच्चों को समझने में आसानी होगी और वे पढ़ने में रुचि लेंगे। सूर्य समाचार के लिए अनुप धीमान की रिपोर्ट।